अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले दोस्तों जो अपडेट की हम लोग अपन बात करने वाले हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो साथियों, कतर में बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास यदि लाइसेंस ना हो या फिर लाइसेंस एक्सपायर कर जाए तो उन लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, वो लोगों का दोस्तों काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो यदि कतर में आप हो, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर चुका हो, यदि आपको रिन्यूअल करवाना है तो आपको अब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा तरीका दोस्तों आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को आपको रिन्यूअल करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बारे में आप जानते होंगे, मैट्रास 2 एप्लीकेशन। यदि आपने मोबाइल मैट्रास 2 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करके रखा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप मैट्रास 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। लॉगिन यदि आपने पहली बार खोला है तो सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसमें आप लॉगिन कर पाओगे। तो यदि आपका आईडी बना हुआ है तो फिर डायरेक्ट आप लॉगिन कर लीजिए, नहीं बना हुआ तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन उसमें कर सकते हो। जब लॉगिन करोगे मैट्रास 2 एप्लीकेशन तो एक दोस्तों आइकन बना हुआ रहेगा, ट्रैफिक आइकन दोस्तों साइड में आपको दिखेगा, ऊपर में ट्रैफिक आइकन लिखा होगा, उसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसमें एक और पेज खुलकर आ जाएगा, उसमें ऊपर में लिखा होगा लाइसेंस सर्विस। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन खोलने के बाद ये आपको ऑप्शन आपको मिलेगा लाइसेंस सर्विस, तो उस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके ऑप्शन मिलेगा रेन्यू ड्राइविंग लाइसेंस। उस बाद रेन्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे दोस्तों जब क्लिक करोगे तो आपसे मांगा जाएगा QID नंबर, जो आपके पास होगा वो QID नंबर आपको QID नंबर करके थोड़ा डिटेल आपको भर देना है। फिर आपको करना है नेक्स्ट क्लिक। नेक्स्ट क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके आपके पास साथियों दो ऑप्शन आएगा कि आपको ये जो ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यू करके भेजा जाएगा वो आपको बाय पोस्ट चाहिए या फिर वहीं पे जाके आप ऑफिस जाके लेना चाहते हो। तो यदि आप ऑफिस जाके लेना चाहते हो तो उस पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप बाय पोस्ट लेना चाहते हो तो आपको बाय पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस क्लिक करने के बाद आपको 20 कतरियाल उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। यानी दोस्तों यदि बाय पोस्ट आप लेना चाहते हो तो आपको 20 कतरियाल उसके लिए देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जिससे पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके सामने दोस्तों ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी आपने मैट्रास 2 एप्लीकेशन में डाला होगा उसको द्वारा वहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दोस्तों एक मेल किया जाएगा, उसमें एक पीडीएफ फाइल होगा, उसमें सारा ट्रैकिंग नंबर उसमें दिया हुआ रहेगा। कि अब सबसे पहले दोस्तों आपको तो ये सब करने से पहले आपको सारा डिटेल वगैरह भरना पड़ेगा, कहाँ पे आपको मंगवाना है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ भरने के बाद आपके जब सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी में एक पीडीएफ फाइल भेजा जाएगा। पीडीएफ फाइल में सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि आपका कहां पे पहुंचा है, मतलब दोस्तों ट्रैकिंग जो एक नंबर दिया होगा उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से साथियों आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवा के मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो मैट्रास 2 एप्लीकेशन के जरिए। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की और जान लेते हैं अगली खबर कतर से कौन सी आ रही है। तो अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो MOPH की तरफ से आ रही है। तो साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि MOPH की तरफ से हर 7 दिनों के बाद डाटा निकाला जाता है, यानी कोरोना वायरस की अपडेट अभी क्या है, तो मैं दोस्तों उसके बारे में थोड़ी बता देता हूं। तो एक हफ्ते के अंदर लगभग वहां पे 756 केसेस को वहां पे देखा गया है, 60 वहां पे डेली एवरेज केस, यानी 60 केस वहां पे, सॉरी दोस्तों 60 वहां पे ट्रेवलर है, यानी जितना केस निकलता है उसमें 60 केस ट्रेवलर निकलता है। एक्टिव केस वहां पे 6116 है। अब तक वहां पे इन्फेक्टेड 4,47,133 लोग कतर में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब तक वहां पे 7 दिनों के अंदर 799 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक वहां पे 4,41,304 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटा में साथियों रिकवरी 904 है। और यदि बात करूं मौत के बारे में तो 24 घंटा में एक भी लोगों की मौत नहीं हुई। टोटल वहां पे अब तक 682 लोग कोविड से मारे जा चुके हैं। तो ये पूरी ताजा अपडेट थी COVID-19 की। दोस्तों अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है साथियों। खबर यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर, जिसे IUMS कहा जाता है, जिनके हेड थे यूसुफ अल करदावी साहब, उनकी आज दोस्तों उनका आज इंतकाल हो चुका है। लगभग 96 साल उनकी उम्र थी। वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों मैं फोटो आपको शो कर रहा हूं। यही वो थे, इस्लाम को फैलाने में ये बहुत ही बड़ा इनका हाथ रहा है, हमेशा ही इस्लाम को लेकर आगे चलते हैं। तो इनकी दोस्तों मौत हो चुकी, लगभग इनकी 96 साल उम्र हो चुकी थी। मौत की पुष्टि हुकूमत की तरफ से कर दी गई। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो कतर के आमिर की तरफ से आ रही। तो कतर के जो आमिर साथियों, आमिर शेख तमीम बिन अमल थानी साहब,
जो है वो संडे के दिन इवनिंग में जापान पहुंचे। रीजन ये था, जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पे गए थे। इसके जाने का दूसरा रीजन था, जापान की जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका सालाना फ्यूनरल था। यानी दोस्तों पिछले साल जो मारा वो जो हुए घटना घटी थी उसी की वजह से वो गए थे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथ यूनिक स्टूडियो पर। अल्लाह हाफिज़।